मैं विकास सिंह सावन आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी मैं हूँ ऋषिकेश बजूपू में और यहाँ से हम जाएंगे देवप्रयाग। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऋषिकेश डिपू है। अभी 3:40 हो रहे हैं टाइम। यहाँ से हम जा रहे हैं देवप्रयाग। बताता हूँ कि कैसे सफ़र है और कैसे यहाँ से। बस में मैं बैठ चुका हूँ, बस मैंने पकड़ ली है, पौड़ी की बस पकड़ी है मैंने। ये ऋषिकेश डिपू है। बस तैयार खड़ी है, बस अभी चलेगी थोड़ी देर में। अभी सुबह हुई नहीं है, 4 बज रहे हैं अभी, सूरज हुआ नहीं। ये बस निकल कर ऋषिकेश डिपो से बस बाहर निकल रही है। बस ऋषिकेश डिपो से बस बाहर निकल रही है, अब देवप्रयाग के लिए जा रहे हैं। ये ऋषिकेश डिपो, सुबह के 4 बजे बस निकली है डिपो से। अभी हम ऋषिकेश से बाहर निकले, मतलब बस निकल ही रहे हैं बाहर। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। अभी सुबह से 4 बज रहे हैं, इसलिए हमें पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। अभी ये पहाड़ है, अभी थोड़ा उजाला होगा 5 बजे के आसपास, तब दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग। ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने के लिए मैंने बस पकड़ी है और 135 रुपये का किराया है ऋषिकेश से देवप्रयाग का बस का। ये भी सरकारी गवर्नमेंट बस है जी।
अंदर है। ये देखो, ये देखो, ये बादल है चमसारा का सारा। ये बादलों के बीच में है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकिए। ये जगह ना तीन धारा है, इसको तीन धारा बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी देवप्रयाग यहाँ से थोड़ा सा और आगे है। देवप्रयाग देवभूमि है, हाँ, देवों की भूमि है। और ये देखो यहाँ पर ये तीन धारा है, मैं दिखाता हूँ। ये बस यहाँ रुकी हुई है, देखो थोड़ी देर के लिए। ये तीन धारा जगह है और देखो ये दिखाते हैं यहाँ से, लोगों ने होटल बना रखे हैं। ये है देखो, फाइनली मैं देवप्रयाग पहुँच गया हूँ और मैं दिखाता हूँ देवप्रयाग का व्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, ये मार्केट्स है, ये है। इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि ऋषिकेश से देवप्रयाग का जो रास्ता है वो कितनी दूर है। तकरीबन 45-50 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है और 4 बजे निकला था मैं, 6 बजे पहुँचा हूँ और 6 बजे मैं देवप्रयाग पहुँच गया हूँ यहाँ पर मैं। और मैं जो 155 रुपये का टिकट था देवप्रयाग से ऋषिकेश से यहाँ पर का, 135 रुपये का, 135 रुपये का टिकट था। और मैं उत्तराखंड की सरकारी बस में आया हूँ ना, उत्तराखंड परिवहन निगम, उस बस में आया था। और ये देखो, मैं इसको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, सामने वाले कैमरे से। फाइनली मैं देवप्रयाग पहुँच गया हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।